डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज चैप्टर 10 का है। आपको एग्ज़ाम का सिलेबस में जो दिया गया है उसमें चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, इस चार चैप्टर से ही आएंगे। तो ये आज चैप्टर 10 हम लोग रिवाइज़ करेंगे। इसके पहले जो आपको दो चैप्टर रिवाइज़ कराए गए हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 8, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने रिवाइज़ कर लिया होगा अच्छा से। आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग, आंसर देने हैं आपको इन क्वेश्चंस के। गिव द नेम्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ पोस्टल स्टेशनरी सोल्ड एट द पोस्ट ऑफिस। थ्री नेम्स आपको देने हैं जो पोस्टल स्टेशनरी सोल्ड किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, मीन्स पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से मटेरियल्स बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं, और वो भी कैसा, कौन सा रिलेटेड, पोस्टल स्टेशनरी मीन्स पोस्टल रिलेटेड होना चाहिए। तो पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस में सोल्ड किए जाते हैं, स्टाम्प्स भी सेल किए जाते हैं, एंड इन लैंड लेटर्स भी सेल किए जाते हैं, जो अपने देश में जिस लेटर का यूज़ होता है उस लेटर को सेल किए जाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु इशूज टिकट्स इन द बस। बस में कौन टिकट इशू करता है, कौन देता है। कंडक्टर इशूज टिकट्स इन द बस, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कंडक्टर इशूज टिकट्स इन द बस। कंडक्टर टिकट इशू करता है बस में। वेयर विल यू गो टू बोर्ड अ ट्रेन, बोर्ड मीन्स होता है लेना, चढ़ना या पकड़ना। आप ट्रेन पे चढ़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। तो ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे। आई शैल गो टू बोर्ड अ ट्रेन एट अ रेलवे स्टेशन, हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो ये आपका थ्री क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स मीन्स नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, इसमें से आपको फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को। वन नंबर है, द डैश हेल्प्स अस टू कैरी आवर लगेज। डैश हेल्प अस टू कैरी आवर लगेज, कौन हेल्प करता है लगेज को कैरी करने में। तो कुली, आप इसमें से चुनिए, कुली आपका आंसर होगा सही। कुली हेल्प करता है लगेज को कैरी करने में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, टू चेंज प्लेटफॉर्म्स वी मस्ट यूज़ द डैश। टू चेंज प्लेटफॉर्म, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको चेंज करना होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए। तो फुट ओवर ब्रिज आपको यूज़ करना चाहिए प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एन अर्जेंट मैसेज कैन बी सेंड बाई टेलीग्राम। एक अर्जेंट मैसेज सेंड किया जाता है टेलीग्राम के थ्रू, मीन्स टेलीग्राम से एक अर्जेंट मैसेज को सेंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वी कैन सेंड मनी टू अदर प्लेसेस बाई डैश। वी कैन सेंड मनी मीन्स हम लोग मनी को सेंड कर सकते हैं टू अदर प्लेसेस, अदर मीन्स दूसरे जगह पर, बाई डैश किसके थ्रू, तो मनी ऑर्डर के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मनी को सेंड कर सकते हैं, पैसे को भेज सकते हैं। थिंक टू डू, व्हाट आर अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस डैट यू विजिट विथ योर पेरेंट्स, मेक अ टिक मार्क। वह कौन सा इम्पोर्टेंट प्लेस है जहां आप अपने पेरेंट्स के साथ विजिट करते हैं, आपको टिक करना है। तो बैंक आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, नहीं, बैंक में आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती है तो आप नहीं जाते हैं। मॉल में आप जाते हैं क्योंकि वहाँ आपको अपने पसंद से कपड़े लेने होते हैं। डिस्पेंसरी में भी कभी कभी आप जाते हैं क्योंकि आपको फीवर या कुछ लग जाता है
तो ऐसे आप मेडिसिंस ले लेते हैं। पार्क्स में तो आप रेगुलर जाते हैं। तो ये आपका डिस्कशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।